अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज का हम नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई जैसे उठे तो भाई बाल तो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो यार यही कटवाने हैं, और दाढ़ी भी बनवानी है क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं एक दो दिन में। अब्बास बेटा, तो चलते हैं भाई शॉप पे, मैं बस पहुँचने वाला हूँ। और भाई शॉप पे मैंने क्या देखा है माशाल्लाह से, ये देखो वाह 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 वाह, कबूतर बैठे हैं इधर, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये देखिए वाह जी वाह, वाह 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 ज़बरदस्त। तो दुकान भाई ये थी, और भाई चलते हैं अपने भाई बाल बनवाते हैं। तो कबूतर देखा आपने? नहीं। बैठे हाय हाय, अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? खुश ठीक ठाक? तब ठीक है, मज़े में। हाँ दोस्तों, तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और भाई यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ, और साथ में भाई भाईजान है, तो इनको बाल काटने आते नहीं है, वो जो दो तीन लड़के थे वो गए हैं। फिलहाल भाई मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, दुकान अभी भी खुली है, मैं सबसे पहले आ गया हूँ। जैसे भाई स्कूल में नहीं आते सबसे पहले पहले, वैसे मैं यहाँ पहले आ गया भाई, तो अब इंतजार करते हैं भाई, तो आएंगे उसके बाद फिर बाल कटवाएंगे। और माशाल्लाह जैसे भाई लुक बहुत अच्छी है, तो भाई आपने मुझे पता है यहाँ आता रहता हूँ मैं, अब इंतजार करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज, तो बहुत देरी कर दी उन्होंने, है ना, आज बहुत देरी कर दी वैसे, जैसे लेकिन दुकान भी बहुत देर से खुली आज, तो लोग इंतजार करते हैं। और उसके बाद फिर जब बाल कटने आएगा अज़र आएगा, और वो कबूतर भी अज़र कहते भाई, है ना, तो कबूतर भी अज़र कहते हैं माशाल्लाह से, तो उसने यहाँ रखे हैं, खुद यहाँ बाल करते हैं और खुद वहाँ कबूतर वहाँ बैठे होते हैं, चलो माशाल्लाह अच्छी बात है, तो आए तो कटवाते हैं। हाँ दोस्तों, तो मालिश भी करवाएंगे यार, काफ़ी टाइम हो गया मालिश नहीं करवाई। कौन है ये लोग भाई? मालिश भी हो जाए यार साथ साथ, मज़ा आ गया। हेलो दोस्तों, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह से भाई हो गई भाई मालिश भी हो गई, और मालिश जो इसने किया ना यार है, इसने सर फाड़ दिया साले को, बम से उड़ा दूंगा बिल्कुल, इसने ना बिल्कुल ना मज़ा आ गया, बड़ा मज़ा आ गया यार, बाल भी कटवा लिए और दाढ़ी भी हो गई माशाल्लाह से। तो अब चलते हैं भाई घर, घर चलते हैं भाई, तो लग रहे हैं ना अच्छे या नहीं लग रहे? बहुत मनूठ लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो भाई ये कमेंट बताइएगा जरूर। 2 hours later दोस्तों, या ये मैं लैपटॉप लेके आ गया हूँ फिर से, आखिर इसने पैसे अपने मेरे खर्च करवा ही दिए, तो भाई फिर इसको लेके आया हूँ मैं। मैंने कोशिश की कि भाई इसको खुद बखुद ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ यार, इसको इसलिए मैं फिर लेके आया हूँ। चार्जर ख़राब है। हाँ भाई चार्जर ख़राब है, देखो अब चार्ज कर रहे हैं, अब देखें चार्ज भी हो रहा है, चलो सही यार, ये तो मतलब तो सही है। हाँ दोस्तों, तो यार मैं चार्जर मैंने ले लिया है, और सट्टी मुझे पड़ गई है 1500 की, और सारा मतलब चार्जर का था, तो चार्जर भाई बिल्कुल गर्म होता था, और उसने कहा कि बिल्कुल भाई इसलिए ख़राब होता था। तो अब भाई यहाँ मैं आया हूँ तो कुल्फी खाने के लिए, तो भाई ना बना के दो 50 वाली, सही है भाई 50 वाली कुल्फी खाने, वी आई पी है ना, स्पेशल, हाँ स्पेशल, तो स्पेशल भाई बना के दो, ज़बरदस्त मज़ा आ जाए। तो आज भाई मैं अकेला हूँ, मेरा ना राशिद है और ना अपना मोहसिन है, फिर बनाओ जो अच्छी हो, बनी हो, प्यारी हो, है खाने के लायक हो, है तो बनाओ भी तो। हाँ ये चीज भाई, वाह जी वाह, तो भाई लैपटॉप के ऊपर रखते हैं और भाई खाते हैं भाई, वाह जी वाह मज़ेदार खाते हैं, और बता भी जाते हैं मज़ेदार, मज़ा आ गया वाह वाह। तो
दोस्तों फटाफट दिखाते हैं, हम करते हैं दोस्तों। तो भैया लड़ाई भी हो रही है, और भाई हम दो ले रहे हैं पार्सल, मम्मी के लिए और अब्बू के लिए। भाई तो मैंने खाया, वो तो भाई अम्मी अब्बू खाएंगे ना, तो उनके लिए भी लेके जाना है। तो भाई बनाओ भाई, वी आई पी। हाँ दुआ भी फिर होगी। क्या होगी? दुआ होगी। दुआ होगी। दुआ किस बात की? अम्मी और अब्बू। हाँ अम्मी और अब्बू की। भाई वाह जी वाह, ज़बरदस्त बना के अच्छी देना, ठीक है? इसमें तो क्या जो आपकी फेवरेट पसंद है ना। हाँ हाँ उसकी भी दुआ होगी। हाँ तो भाई जो हमें खाने चाहिए, जो दोस्त हैं भाई हैं उनके लिए भी वही चीज़ पसंद करो भाई। तो हमने वही चीज़ पसंद किया जो हमने खाया, तो हम कोशिश करेंगे उनके लिए भी ले लेंगे। तो दोस्तों रमज़ान भी आ गए हैं, रमज़ान के भाई रमज़ान के लिए बहुत रश हो गया माशाल्लाह से, फ्रूट ही फ्रूट माशाल्लाह जहाँ का। वाह जी वाह, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई, मुझे मज़ा आ गया खा के ना। भाई तस्वीर निकालें, आपने कहा है हुक्म भाई हुक्म। दोस्तों ये है शहर में गर्मियाँ भी आ गई हैं, ऐसा ऐसा मौसम भी चेंज हो रहा है। हैगी चलते हैं भाई घर चलते हैं। तो भाई मैं घर वापस आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और भाई या चट्टी पड़ गई मुझे, भाई चट्टी मुझे पड़ गई आखिर में। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा बचाऊँगा इसको बचाऊँगा, लेकिन नहीं बचा भाई। आखिर चार्जर मेरा ख़राब हो गया, तो चार्जर भी मैं नया लेके आया हूँ, और चार्जर भाई इसको चला के अब फिर यहाँ भी देखेंगे। मैं आप लोगों को चला के वहाँ भी दिखाया था, तो यहाँ भी आपको मैं उनको चला के दिखाता हूँ यार, क्योंकि ये सीन बड़ा ख़राब हो गया था। मैंने कहा अगर ये चीज़ ख़राब हो गई ना तो आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिल पाएंगे भाई। रमज़ान पूरा ब्लॉग बनाना है, और माशाल्लाह से धन ब्लॉग बनाने हैं। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ, तो ये रहा, तो निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को भाई। ये है, और एक ये तो पुराना वाला है, और ये है भाई नया वाला। तो इसको भी थोड़ी देर बाद इसको चला के देखेंगे और फिर दिखाते, फिर आप लोगों को दिखाते हैं उसको चला के दिखाते हैं, ताकि अच्छा काम हो जाए यार, हम चाहते हैं अच्छा काम हो जाए हमारा। और लैपटॉप भाई ये बड़ा हुआ है। हाँ दोस्तों तो लैपटॉप मैंने ऑन कर दिया भाई, इसको चार्ज पर लगा दिया, ये देखें और ये देखें, ये देखें चार्ज हो रहा है। शुक्र है भाई चार्ज हो रहा है। और इसको यहाँ से भाई हमने ना चार्ज करना शुरू कर दिया है, तो भाई शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। तो हमने भाई इसको दिया है ताकि चल जाए, क्योंकि ब्लॉग भी आप लोगों को दे रहे हैं भाई, क्या करें। तो सेटिंग में से आप लोगों को दिखाई थी, और भाई चार्ज भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ दोस्तों तो भाई मैं अपने चूज़े देखने आया था माशाल्लाह से, चूज़े माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं। और भाई तो ये क्या पड़ा है, ओ मैं क्या देख रहा हूँ दोस्तों, मुझे क्या मिला, ओ हो ये देखें, पतंग मिल गई भाई, पतंग पता है कब आई है, ये देखें वाह जी वाह। तो भाई ये पतंग हमें मिल गई, ये कहाँ से आई, ये तरंग कहाँ से आई है भाई, पतंग आई है भाई। तो दोस्तों इसको उड़ाते हैं भाई, उड़ाते हैं, पता नहीं किसकी है भाई, तो इसको उड़ाते हैं। पता नहीं किसकी पतंग है भाई, हमारे घर आ गई। ओए होए तो दोस्तों ये देखिए, ओए होए 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 होए, अभी ये ना पता कहाँ से आई है, जो वहाँ पड़ी हुई थी वो इस जगह पड़ी हुई थी, मैं उठा के लेके आया भाई, देखूँ तो ये है किसकी। वो पता है क्या, यहाँ से अटकी होगी, यहाँ से अटकी होगी या वहाँ से अटकी होगी, क्योंकि हमारे पास ना अक्सर आती रहती हैं, और छत पर भी दो तीन पड़ी होती हैं, तो वो तो फट जाती हैं हवा से, लेकिन ये यहाँ सीधा हमारे घर के अंदर आ गई है भाई। काइट आ गई हमारे, देखें ज़बरदस्त। तो दोस्तों जिसकी भी है ये पतंग, वो आए और मुझसे ले जाए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई। जिसकी भी है कि होगी तो इधर किसी की होगी, तो जिसकी भी है वो भाई आके हमसे ले जाए। और भाई ये देख लो, ये टेपों से जो टेपों से जुड़ी हुई है, तो ये है भाई, ये है पतंग का हाथ, और ये वाली है भाई। तो जिसकी भी है वो आके भाई मुझसे ले जाए भाई, ले जाए। तो हमें उड़ाना आती तो नहीं है, लेकिन तो जिसको चाहिए तो वो आके ले जाए भाई हमसे। और ये रहा भाई पतंग, तो है कि बहुत ज़्यादा वो उड़ रही हैं। हम तो ट्राई करें ना,
हम तो कोशिश करें उसको 9 को उड़ाने की। गजब बेइज्जती है। नहीं भाई हमसे नहीं उड़ती, अकेले की बात ही नहीं है। हाँ दोस्तों, तो भाई लैपटॉप भी ठीक हो गया और भाई पतंग इतनी कहाँ से आई थी, तो भाई पतंग भी हमने वहीं वापस उसकी जगह पे रख दिया है, तो जो आएगा तो हम उसको वापस कर देंगे भाई, जो भी आएगा इसकी भी होगी तो भाई मुझे बताएगा। अल्लाह करे मेरा वो व्लॉग देखे और भाई कहे कि यार वो मेरा है, कमेंट कर दे वो मेरी है मेरी है। तो भाई ये सारा सीन था, तो भाई उम्मीद करता ऐसी ब्लॉग को इधर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।